शहर के दो बड़े नामचीन स्कूलों के अभिभावकों द्वारा विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय में नारायण और भवन स्कूल के खिलाफ विधिक ज्ञापन सौंपा गया। चीज भवन वर्धा रोड स्थित नारायणा विद्यालय के छात्रों के अभिभावकों द्वारा इतना 6वीं से 8वीं के छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा लेने और फीस के लिए दबाव बनाने की बात अभिभावकों द्वारा कही गई है, जिसकी शिकायत अभिभावकों ने राष्ट्रीय शिक्षक पालक संगठन को दी गई, जिसमें स्कूल द्वारा अभिभावकों को 5 परीक्षाएं स्कूल द्वारा ली जाने की बात कही गई। 5 परीक्षाओं में से 3 परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाएगी तो 2 परीक्षाएं ऑफलाइन ली जाएगी और ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए छात्रों को स्कूल उपस्थित रहना अनिवार्य है और उसके लिए पहले फीस अदा करना जरूरी है। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय शिक्षक पालक संगठन के राष्ट्रीय संयोजक योगेश पात्रे द्वारा BCN न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि अभिभावकों पर फीस अदा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आज आम्ही भवन शाळेच्या वतीने आणि नारायण स्कूलच्या पेरेंट्सच्या वतीने आणि भवन स्कूलच्या पेरेंट्सच्या वतीने इथे निवेदन द्यायला आलो। गेले 9 महिने भवन शाळेचे पालक आणि नारायणचे पालक फी संदर्भात शाळेला भरपूर वेळा निवेदन दिलं, मेल केले, माननीय प्रधानमंत्री साहेबांना पत्र पाठवून सर्व गोष्टी केल्या, तरीसुद्धा शाळा 9 महिन्यापासून पालकांना वारंवार फोन करून फीससाठी फोन करते आहे, मेसेजेस पाठवते आहे आणि मानसिक त्रास देते आहे। दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे की मुद्दे असे पण आहे की सिबलिंगसाठी ज्या पॅरेंट्सचे 2 मुलं शिरकत आहे शाळेमध्ये, त्यांचं शाळेचं असं म्हणणं आहे की सिबलिंगला ॲडमिशन्स पाहिजे असेल तर पहिल्या मुलाची तुम्हाला पहिले फी पूर्ण भरावं लागेल, त्याच्यानंतर तुम्हाला दुसऱ्या मुलाला ॲडमिशन मिळेल। तिसरा महत्त्वाचा असा मुद्दा अजून होता, एक होता की नारायणा शाळेमध्ये आता 5वा आणि 6वा वर्ग सुरू होणार आहे, एक्झाम चालू होणार आहे, तर शाळेने असं म्हटलं की 5 एक्झामपैकी 3 एक्झाम ऑनलाईन होतील आणि 2 एक्झाम ऑफलाईन होतील, आणि 2 एक्झाम जर ऑफलाईन पाहिजे असेल त्या पत्र त्यांनी पत्र पाठवलं त्यांच्या टॅबवर, जर 2 एक्झाम जर ऑफलाईन पाहिजे असेल तर पॅरेंट्सला पूर्ण फी भरावी लागेल। शिक्षा विभाग में ज्ञापन देने पहुंचे अभिभावकों में से एक अभिभावक ने कहा कि राज्य मंत्री बच्चू कड़ू द्वारा स्कूल से ज्यादा फीस वसूली गई, उस पर रिकवरी निकाली तो वो रिकवरी की रकम का क्या किया गया है, जिसकी जानकारी जनता तक पहुंचना भी जरूरी है। पार्ट जो योगेश पात्रे जी ने जो बोला कि 2014 से इन्हें 7 साल से DFRC फॉर्म नहीं हुई है, बराबर, कितने पेरेंट्स को मालूम है कि DFRC का काम क्या होता है? DFRC के बारे में अगर कोई भी प्रश्न ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर को पूछे जाए, इसके ऊपर इनके पास कोई भी आंसर नहीं है। बच्चू कड़ू जी ने जो कुछ भी काम किया, ठीक है, जो कुछ भी इस फीस के ऊपर में रिकवरी निकाली, शायद वो हो सकता है कि उनको एक लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ चाहिए हो, तो शायद उस लिए उन्होंने किया हो, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्न करने का काम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है और मंत्री जी अगर उसमें कोई निर्णय ले रहे हैं तो उन्होंने सबसे पहले अपने जो लीगल मैटर्स के जो हेड है गवर्नमेंट के, उनसे कंसल्ट करने के बाद प्रॉपर एक्शन लेनी चाहिए थी, ताकि स्कूल को जो है वो कोर्ट जाने से बचा जा सके। ये सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए इन्होंने काम किया है और कुछ नहीं है। 7 करोड़ की इसके ऊपर निकाली, 10 करोड़ की उसके ऊपर निकाली, पेरेंट्स को क्या मिला? आपको क्या लगता है किस तरह से ये पैसे जो है ये किसी मिनिस्टर ने भरे हुए नहीं है, ये पैसे जो है ये आम जनता हमारे जैसे जितने पेरेंट्स खड़े इनके जेब में से गए। मैं सवाल करता हूँ श्री बच्चू कड़ू जी साहब से कि कब आप नींद में से जागोगे और कब आप कोर्ट के सामने जाके अपने गवर्नमेंट वकील को खड़े करके बोलोगे कि ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? इट हैज़ टू बी गेट अर्ली इंटरवेंशन, उसमें इंटरवेंशन करके बोलना चाहिए उन्होंने कि इसका जल्द से जल्द रिप्लाई लगाया जाए। एक कोर्ट में केस जाती है, अगर वो 15 साल अगर रहती है और मेरा बच्चा 12 साल में 10 साल में पढ़ के अगर निकल जाता है तो सभी पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मैं क्यों करूँ, क्यों मैं? बच्चू कड़ू साहब काश्तकारों के लिए दिल्ली जा सकते हैं, बराबर है, तो यहाँ पे जब हमारे जैसे जो पेरेंट्स खड़े उनसे मिलने के लिए उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मेरे पास आओ, अरे आपके पास क्यों आए, आप तो हमारे थे ना, हमने चुन के दिए हुए आदमी हो ना, तो आप आके इन सबके प्रॉब्लेम सॉल्व क्यों नहीं करते? लाइमलाइट मध्ये राहण्यासाठी दाखवण्यासाठी की मी काय आहे म्हणून ते करत असतात। क्या हुआ उसका, क्या हुआ? मैं वही तो प्रश्न चाहता हूँ ना कि पहले 3-4 दिन न्यूज़पेपर में आता है, उसके बाद में हवा गुल हो जाती है। कुछ कम्युनिकेशन है, कुछ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उन्होंने डाला कि हमने इस स्कूल को ये लेटर भेजा, ऐसा हुआ, उनके वेबसाइट पर कुछ है क्या? आप जाके चेक कीजिए। एक गवर्नमेंट का पोर्टल होता है जिसके ऊपर में एक जो भी राज्य मंत्री या केंद्र मंत्री होता है उसका प्रोफाइल होता है और वो क्या एक्टिविटी कर रहा है उसके साथ उसका पेज चलता है, उसके लिए NIC खोल के रखी है। हम जैसों के पॉकेट में से नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर उसी को बोला जाता है, क्या रखा उन्होंने, क्या मीडिया ने उसको कवर किया?
कभी मीडिया ने कभी उनको भी पूछा कि सर 7 करोड़ तो काढ़ ले पुढ़े का है ठेंगा बच्चू कड़ू साहब जर बघत असाल वीडियो तो तुम्हाला नम्र निवेदन आहे काहीतरी करा आणि तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे एखादा पॅरेंट आत्महत्या केल्यानंतर जर सगळे डिपार्टमेंट जागे होत असतील माननीय उद्धवजी ऐका तर लवकरात लवकर काही ना काही होईल याचे प्रतीक्षेत राहा आणि एकाचा जीव गेल्यानंतर मग त्याच्या घरी सहानुभूती द्यायला जय महाराष्ट्र। आए दिन फीस को लेकर विविध स्कूलों के खिलाफ फीस वसूली को लेकर अभिभावकों द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं। अब इन सब अभिभावकों की मांग पूरी होती है या नहीं ये तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।